खेडूत आंदोलन 15 दिवस 15मो दिवस है। त्रणेय कायदाओ रद्द करने खेडूत मांग कर रहा है। आंदोलन स्थले खेडूत जमवा व्यवस्था पर सतत चालू है। वधु लोग रोटली बनावा मशीन गोठवाया है। रोटली बनावा मशीन सोशल मीडिया पर वायरल थयु। मशीन एक कलाक में 1200-1400 रोटली बनावे। पोर्टेबल स्टव खेडूत रसोई उपयोग कर रहा है। हाल सिंघु बोर्डर पर जबरदस्त माहौल जोवा मळी रह्यो छे। रोजना हजारों ने लाखों लोको छे ते आवी रह्या छे, खेडूतो आवी रह्या छे। त्यारे व्यवस्था जे पण जबरदस्त छे। अहींया जोई शके छे के रोटली बनावा माटे स्पेशल मशीन छे ते मूकवामां आव्या छे। आ मशीन में एक कलाकमां 1200-1400 रोटलीओ छे ते तैयार थई रही छे। सवारे 7-8 वागेथी सतत आ मशीन छे ते चालू थई जाय छे। अने जोई शकाय छे के ऑटोमेटिक रोटली बनावानुं मशीन छे ते अहींया मूकवामां आव्युं छे के जे रोटली दर कलाके 1200-1500 छे ते मशीन छे ते रोटली आपे छे। एक नहीं आवा बे मशीन छे ते पण अहींया मूकवामां आव्या छे। त्यारे महत्वनी वात छे के अलग अलग व्यवस्थाओ छे ते करवामां आवी छे। भैया, ए मशीन किस तरीके से काम करता है? एक घंटे में कितनी रोटियां निकलती है? ये मशीन बिजली और गैस से दोनों से चलता है, एलपीजी सिलेंडर से। और एक साथ दोनों चीजों का यूज करना पड़ता है। और ये एक घंटे में 1200 रोटियां बना देता है, 1000 से 1200 के बीच में। कितने बजे सुबह मशीन स्टार्ट करते हो आप? सुबह ये 9:30-10 बजे मशीन हम स्टार्ट कर देते हैं। ये लंच टाइम तक चलता है, 3-4 बजे तक। फिर उसके बाद शाम को फिर हम 5-5:30 बजे फिर दोबारा शुरू करते हैं। कितने लोग लंगर पर खाना खाते जाते होगा? अब एवरेज लगा लिए कि 10 से 12 घंटे ये चल रही है मशीन, और 1200 रोटी एक घंटे में बन रही है। तो आप एवरेज खुद ही लगा लीजिए कि कितनी होगी। જોઈ શકાય છે કે એક ઓટોમેટિક જે રોટી છે તે બની રહી છે મશીન દ્વારા, તેમાં દર કલાકે 1200 રોટી બની રહી છે। સવારથી સાંજ સુધી અને સાંજે ફરીથી રાત સુધી આ મશીન છે તે ચાલુ રહે છે। એટલે કે આ મેનેજમેન્ટ છે તે પણ એક જબરજસ્ત લેવલનું છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। કેમેરા પર્સન જય પટેલની સાથે દીક્ષિત ઠકરાર, વીટીવી ન્યૂઝ, સિંઘુ બોર્ડર, દિલ્હી।